लाहौर में बैठकर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। सीनियर स्क्रीन राइटर, गीतकार और कवि जावेद अख्तर फैस फेस्टिवल में भाग लेने लाहौर गए हैं, जहां उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसकी पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही होगी। अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर जावेद अख्तर ने लाहौर में बैठे बैठे कहा कि मुंबई हमले के दोषी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान के कलाकारों को बहुत प्यार मिलता है और उनके कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारत के कलाकारों के प्रोग्राम नहीं होते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध कवि अहमद फैज की याद में हर साल फैज फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। फैज फेस्टिवल 2023 में भाग लेने के बाद पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर और उनकी पत्नी आयशा फाजली के घर पर बतौर मेहमान भी गए। इस मौके पर कई पाकिस्तानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। मशहूर लेखक और कवि जावेद अख्तर ने हाल ही में पाकिस्तान में जाकर 26/11 हमले का जिक्र किया। जावेद अख्तर के इसी बयान पर अब अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने जावेद अख्तर की जमकर तारीफ की है। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूँ तो लगता है ये कैसे माँ सरस्वती जी की इन पर इतनी कृपा है। लेकिन देखो, कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई बोती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद अख्तर साहब, घर में घुस के मारा। कंगना रनौत को जावेद अख्तर की तारीफ करते देख कई लोग हैरान भी हैं, क्योंकि जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच सालों से विवाद चल रहा है। जिस तरह कंगना ने जावेद अख्तर संग अपने विवाद और गिले शिकवों को भुलाकर उनकी तारीफ की है, यूजर्स इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।